गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपने पार्ट नंबर 11 के जो आंकिक प्रश्न हल कर रहे थे उनको आगे बढ़ते हैं। उनमें हमारा उदाहरण नंबर जो 11 हो चुका था कंप्लीट, अगला उदाहरण दे रखा है रेफ्रिजरेटर वाला। यदि एक रेफ्रिजरेटर की औसत शक्ति आपको फ्रीज रेफ्रिजरेटर की शक्ति दे रखी है, इसमें शक्ति P बराबर दे रखी है 100 वाट औसत शक्ति का मान, तो एक दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की गणना यूनिटों में कीजिए। आपको समय T बराबर दे रखा है एक दिन यानी 24 घंटे, तो आपको ये बताना है कि उस फ्रिज को आप अगर एक दिन के लिए चलाते हैं तो वह कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा। और व्यवसायिक विद्युत ऊर्जा का हमने पिछले पाठ में मात्रक पढ़ा था, यूनिट होता है किलोवाट घंटा या यूनिट, तो के डब्ल्यू एच या यूनिट बराबर होता है वाट गुणा घंटे बटे 1000। अपने पास जो वाट दे रखे हैं वो है 100, 24 घंटे दे रखे हैं और 1000 ये नीचे, ये इसलिए लिखा जाता है 1000 ताकि इसको किलोवाट में बदला जा सके, क्योंकि किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। अगर इसको अपन हल करें तो दो बिंदुओं से ये 2 तो कैंसिल हो गई और 24 में 10 का भाग दें तो 2.4 और क्या हो रही थी, कितने विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा 2.4 यूनिट। अब अपने से अगर कोई ये पूछे कितने रुपए बिल के रूप में अपने को चुकाने या कितना पेमेंट करना होगा, कुल कितना विद्युत खर्च आया, तो जो यूनिट है उनको सीधे सीधे जो विद्युत का मूल्य है उसे गुणा कर दिया जाता है। ऐसे ही पार्क के अंदर एक और उदाहरण दे रखा है, प्रश्न दे रखा है छोटा सा, इसको अपना हल करते हैं। प्रश्न के अंदर द्रव्यमान दिया हुआ है 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, एक 30 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाने में 1 मिनट लगता है, तो वेग की शक्ति की गणना कीजिए। उदाहरण नंबर जो 13 है द्रव्यमान, प्रश्न में आपको दे रखा है m बराबर 30 किलोग्राम, आपको समय दे रखा है टी बराबर 1 मिनट और 1 मिनट बराबर यहां पर लिखेंगे सेकंड, तो यहां पर लिखेंगे 60। 2 मीटर ऊंचाई का मान दे दिया जी, ये प्रश्न अपन पहले भी हल कर चुके हैं, ऊंचाई है एस बराबर 2, ये मीटर दे दिया हमें। जी का मान आप सब जानते ही हैं गुणा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और आपको शक्ति याद करनी है तो शक्ति की परिभाषा से P बराबर होता है एम जी एच अपॉन टी, यहां लिखेंगे 30 गुणा 10 गुणा 2 अपॉन 60 सेकेंड, 2 से ये 2 बार, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहां हो जाएंगे 10 और शक्ति का मात्रक जो है वो हो जाएगा वाट। यानी ऐसी वस्तु को ऊपर उठा के ले जाने में आपको 10 आपकी शक्ति जो है वो 10 वाट आएगी। अब पाठ के सबसे लास्ट में हमें आंकिक प्रश्न दिए हुए हैं, आंकिक प्रश्न इन्हीं उदाहरण न्यूमेरिकल के आधार पर अपन हल करेंगे। जो फॉर्मूले हमने पहले देखे हैं इनकी गणनाएं आप आराम से कॉपी के अंदर कर सकते हैं। प्रश्न जो पहला, वैसे अपने अभ्यास का ये 14 प्रश्न हो गया, लेकिन आंकिक प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर जो 1 दे रखा है वो एक इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। एक इलेक्ट्रॉन 1.2×10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। आंकिक क्वेश्चन नंबर 1
आपको यहां देगा दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर 1.2 गुना 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड। आगे जो वेग का है यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो आपने 9th क्लास के पार्ट नंबर 3 में पढ़ा परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान आप जानते हैं m बराबर 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। और ये पूछ रहा है अगर इलेक्ट्रॉन इतने वेग से गतिशील है तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो गतिज ऊर्जा बराबर E के बराबर होता है 1/2 mv². अगर यहां इन संख्याओं के आधार पर अपन मान लिखे सूत्र में, तो 1/2 गुणा m का मान 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 और वेग लिखेंगे तो 1.2 गुणा 10 की पावर 6 का स्क्वायर। इसको अगर अपन हल करें तो 1.2 गुणा 10 9.1 और 1.2 गुणा 1.10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 वही 10 की पावर 12, क्योंकि स्क्वायर में तो दो बार लिखेंगे 12 और ये है माइनस की, तो प्लस वाली माइनस में से जाएंगी तो यहां गुणा 10 की पावर माइनस 19 बचेगी शेष। अगर इनको अपन हल करें तो यहां लिखेंगे 1/2 गुणा 91/10 पॉइंट हटाने के लिए 12/10 और गुणा फिर 12/10 और गुणा 10 की पावर माइनस, ये नीचे 10 की पावर 3 हो गई प्लस की ऊपर हो गई माइनस की, तो अगर इनको अपन गुणा भाग के हिसाब से हल करें और यहां देखो इसको अपन काटे तो ये तो जाएंगे यहां 6 बच जाएंगे और इनको अगर अपन गुणा भाग करें तो यहां अपने पास आगे की कैलकुलेशन रखो के अंदर हल करेंगे इन दोनों को अगर देखा जाए तो उत्तर आएंगे यहां पर कैलकुलेशन मैंने कर रखी है इनकी, तो 66.52 गुणा 10 की पावर माइनस 20 के हिसाब से आएगी। आप और इनको हल कर लेना कॉपी के अंदर, या 6.552 गुणा 10 की पावर माइनस 19 और इसका मात्रक हो गया जी जूल। इस प्रकार इस प्रश्न को अपन हल कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे जो आंशिक क्वेश्चन दे रखे हैं, दूसरा जो आंशिक प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है एक मशीन 40 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है तो किए गए कार्य की गणना करें। आप कार्य W बराबर mgh वाला सूत्र लगाकर इसको हल कर सकते हैं। m का मान आपको 40 किलोग्राम, h का मान 10 मीटर, g का मान आप सब जानते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और कार्य बराबर W बराबर mgh, तो ये आसानी से हल हो सकता है। इसके बाद में जो किताब के अंदर अगला जो प्रश्न अपने पास देर का है वो देर का है उदाहरण नंबर 16 या क्वेश्चन नंबर 2, एक 6 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान आपको 6 किलोग्राम, h का मान 5 मीटर ऊंचाई, g का मान अपन जानते हैं 10 ms - 2, आपको स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के की दिशा में अगर वस्तु गति करे तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा ईपी बराबर होता है mgh, यहाँ पर m का मान, g का मान और h का मान आप लिखेंगे तो आसानी से इसके आंसर भी आ सकते हैं, ये प्रश्न भी हल हो सकता है। इसके बाद में जो आगे का प्रश्न है वो थोड़ी सी आपको गणना करनी है, थोड़ा सा समझना है। एक स्प्रिंग का नियतांक, अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है
स्प्रियंका बल नियतांक के का मान दे रखा है 4 × 10³ न्यूटन अपॉन मीटर। स्प्रिंग को 0.04 मीटर संपीड़ित करने पर यानी विस्थापन अक्ष बराबर हो जाएगा 0.04 मीटर। तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा, तो स्प्रिंग के लिए जो स्थिति ऊर्जा है इसके लिए आप सूत्र लगाएंगे, स्थिति ऊर्जा या किया गया कार्य ईपी बराबर 1/2 के अक्ष स्क्वायर। संख्याओं में अगर अपन मान रखें तो 1/2 × 10 ये इसका मान हो जाएगा 4 × 10³ और इसका मान हो जाएगा 0.04 का होल स्क्वायर। अगर इसको कैंसिल करें तो यहाँ 2 आएंगे तो लिखेंगे 2 × 10³ और इसको अगर हल करें तो ये आ जाएंगे 0.0016। संख्या जी धरे 4 पॉइंट है, इनमें से 3 पॉइंट अपन कैंसिल करते हैं तो 2 × 1.6 और यहाँ हो जाएंगे 3.2 और शक्ति या कार्य ये जूल ऊर्जा या कार्य का मात्रक जूल यानी 3.2 जूल कार्य आपको करना पड़ेगा। अपने पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का बल नियतांक दे रखा है आपको विस्थापन यानी आपने 0.04 मीटर विस्थापित किया तो आपने जो कार्य किया हो गया जी। इसके स्प्रिंग को खींचने के लिए या संपीड़ित करने के लिए हमने 3.2 जूल कार्य किया। इसी से संबंधित अगला जो प्रश्न दे रखा है लेकिन अब की बार हमें मान ज्ञात करना है बल नियतांक। अगला जो प्रश्न है वो दे रखा है किताब के अंदर, आपको प्रश्न में एक चीज दी गई है स्प्रिंग को 0.02 मीटर खींचने, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 है। स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग का विस्थापन अक्ष का मान आपको दे रखा है 0.02 मीटर। खींचने में 0.4 जूल कार्य करना पड़ता है, कार्य W बराबर 0.4 जूल दे रखा है। तो स्प्रिंग नियतांक का मान ज्ञात करना है, स्प्रिंग नियतांक K का मान आपको ज्ञात करना है। कार्य या स्थिति की ऊर्जा के लिए स्प्रिंग के लिए जो हमने सूत्र उत्पन्न किया वो है ईपी बराबर 1/2 के अक्ष स्क्वायर। इस प्रश्न में आपको यहाँ स्प्रिंग नियतांक K का मान ज्ञात करना है, तो K का मान ज्ञात करने के लिए हम इसका पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण करें तो अगर इसको लिखा जाए तो इस प्रकार लिखा जाएगा K बराबर ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 2EP और बटे अक्ष स्क्वायर। तो यहाँ 2EP का मान 0.4 जूल, क्योंकि इसने कहा कि कार्य और कार्य ऊर्जा एक ही बात है तो यहाँ ईपी बराबर ही तो या डब्ल्यू बराबर 0.4 जूल और अक्ष का मान 0.02 × 0.02 क्योंकि स्क्वायर इसलिए इसको 2 बार लिखना है। ये ऊपर वाली तो दोनों संख्या वो गुणा होने पर हो जाएंगे 0.8 और ये हो जाएंगे 0.0004। इस प्रकार यहाँ तक इसकी कैलकुलेशन है। अगर अपन इसको ओवर हल करें तो ये पॉइंट बनाने के लिए ऊपर बिंदु लगाते हैं तो ये 2, 3 और नीचे लिख देंगे 4, क्योंकि 1.6 तो कैंसिल हो गया और 3 ओवर बच गए तो ये 3 बिंदु लगा देते हैं पॉइंट पर बनाने के लिए। यहां आ जाएंगे 2000 और न्यूटन अपॉन मीटर या 2×10³। इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है।
आगे का जो प्रश्न है वो देखकर एक इंजन द्वारा वेग की शक्ति की गणना कीजिए जो 200 किलोग्राम द्रव्यमान को 50 मीटर की ऊंचाई तक 10 सेकंड में ले जाता है। आपको शक्ति याद करनी है। यहाँ आपको W का मान दे रखा है, समय का मान दे रखा है, ऊंचाई h का मान दे रखा है, प्रश्न में g का मान रखना है दिया हुआ है। तो शक्ति p बराबर होता है m g h अपॉन t, और इसमें आप इन सबके मान रखेंगे तो आसानी से इसके आंसर आ जाएंगे। इसलिए इस प्रश्न को आप आराम से हल कर लेना। इसके बाद जो आगे का जो प्रश्न है वो यूनिट से संबंधित है, उसी प्रकार हल करना है जैसे अभी हमने एक प्रश्न रेफ्रिजरेटर वाला किया था। यहाँ पर भी आपको यूनिटों का मान ज्ञात करना है और यूनिट का सूत्र आप जानते हैं, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। एक घर में पांच युक्तियां मतलब कोई भी पांच विद्युत उपकरण है, प्रतिदिन 10 घंटे तक उपयोग में लिए जाते हैं। इनको एक दिन में अपन 10 घंटे लगातार चलाते रहते हैं। यदि इनमें से दो युक्तियां 200 वाट की हो, दो युक्ति ऐसी है जो 200-200 वाट की है और तीन युक्तियां ऐसी हैं जो 400-400 वाट की हैं, तो इनके द्वारा एक दिन में कुल कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च की जाएगी वो यूनिटियों में हमें बतानी है। एक घर में पांच युक्तियां, सबसे पहले ये उदाहरण नंबर 6 आपको समय टी बराबर दे रखा है 10 घंटे, यानी एक दिन में आप इनको पांचों को 10 घंटे लगातार चलाएंगे और इनमें से दो युक्तियों की शक्ति, दो युक्तियों की शक्ति टी वन मान लीजिए, 2 × 1 की शक्ति 200 है तो ये हो जाएगी कुल 400 वाट, और तीन जो युक्तियां हैं इनकी जो शक्ति है वो P2 मान लीजिए वो हो जाएगी 3 × 1 ही है 400, तो ये हो जाएगी 1200 वाट। यानी जो कुल शक्ति है, कुल शक्ति हमारे पास आई थी P बराबर 1600 वाट, और आपको यूनिट ज्ञात करने हैं, यूनिट या जिसको अपन KWH किलोवाट घंटा भी कहते हैं बराबर होता है वाट गुना घंटे और बटे 1000। वाट अपने पास आए 1600% में, घंटे अपन 10 घंटे चलाएंगे और 1000 का ये यहाँ पर 3 से ये कैंसिल हो गई पॉइंट, तो बिंदु तो तीनों और यहाँ बचेंगे 16 यूनिट निकाल देते हैं, 16 यूनिट निकालते हैं। यानी ये तीनों पांचों युक्तियां मिलकर एक दिन में 16 यूनिट निकालते हैं, और अगर एक यूनिट का मूल्य 6 रुपये 5 रुपये जो भी है तो अपन उनको उसके हिसाब से बिल पे करना होगा। आगे का जो प्रश्न है इससे संबंधित ही है, आपको दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बल लगाया जाता है, तो जिससे उसका वेग बढ़कर 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो आपके द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा। इससे संबंधित भी हमने एक प्रश्न पहले हल किया है। प्रश्न में आपको दो वेग अगर दे दिए जाए एक साथ तो इसके लिए कार्य का सूत्र आप ये इस प्रकार लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहले दे रखा है द्रव्यमान, आपको प्रश्न में द्रव्यमान दे रखा है m बराबर 40 किलोग्राम, और दो वेग दे रखे हैं, प्रारंभिक वेग दे रखा है, प्रारंभिक यानी पहले ये 2 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिशील है, लेकिन अगर इसका वेग हमें 5 मीटर प्रति सेकंड करना है, 5 की स्पीड से अगर इसको चलाना है, अगर इसका अंतिम वेग v बराबर करना है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो आपको कितना कार्य करना होगा, और कार्य W = 1/2 mv² - u², ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। अगर इसको अपन संख्याओं में का मान रखें तो 1/2 × m का मान 40
चार, यानी आप 20 और ये बचेंगे 21, तो जाएंगे दोनों को गुणा करेंगे तो 420 और किए गए कार्य का मान जूल में लिखा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न को भी आराम से हल किया जा सकता है। आसानी से हल होने वाले प्रश्न है। आप अगर इनको फॉर्मूले आपको याद है आप इनको आराम से हल कर सकते हैं और इनसे संबंधित अगर फिर भी आपको कोई समस्या लगे कि सर आपने ये जो मान है किस प्रकार दूसरे रूप में चेंज किए हैं। कई बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि सर क्या जूल को किलो जूल में लिखना जरूरी होता है, वो पर्सन पे डिपेंड करता है। अगर पर्सन में आपको बड़ी चीजें पूछी जाए तो आप किलो जूल किलो वाट इनमें लिखें और अगर छोटी उपकरण जो अपना छोटा है तो उसके हिसाब से अपन को जूल या वाट लिखना है। और भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो वो आराम से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।